गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। जैसे कि एक दिन पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का सीरीज़ कंप्लीट करा था, जिसमें हमने CUET IP यूनिवर्सिटी जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर ली है। सो, हमारा टारगेट ये रहेगा कि एग्ज़ाम आते आते आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हो जाए, ताकि इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर हिट कर गया तो हमारी ये मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड आई नो कि आप लोग अभी बोर्ड्स को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, परेशान क्या, थोड़ी मेहनत चल रही है। तो यही एक टाइम ऐसा है जिस टाइम पे हमको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, अपने एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी और साथ में अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन भी। सो आई नो कि आप सब बहुत ही अच्छे से इसको टैकल कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर ले करेंगे इन योर एंट्रेंस एग्ज़ाम एज वेल। सो हाई अंजलि शाह, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्वेश्चंस वेरी सून। सो एक बार हम वेट कर लेते हैं सभी का लाइव आने का, तो अपने क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मानसी अग्रवाल इज हियर। हाय मानसी, हाउ आर यू? हाय ईशु त्यागी, हाय निखिल। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना, ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस का आंसर करने का। बहुत ही मैंने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं लिए हैं, बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को लिया है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को हम अभी कवर कर रहे हैं। सो हाई कैरी जोन्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दैट इज डायबिटीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ऑफ इंसुलिन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, माइल फंक्शन ऑफ लीवर, हायर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। सो आपने पढ़ा होगा इन बायो, ये क्वेश्चंस जो है ना छोटे छोटे हैं और आपको आज के डेट में पता ही है हर किसी को डायबिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका आंसर आता होगा। एक्सेसिव ऑफ इंसुलिन, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, माइल फंक्शन ऑफ लीवर, हायर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। डायबिटीज़ किस चीज़ से होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? हाय निखिल कुमार, कैसे हो? हर्ष चौधरी सर, CUET की कट ऑफ 98-99 जाएगी। अरे भाई, इसमें कट ऑफ ऐसे नहीं जाएगी, इसमें स्कोर के बेसिस पे होगा सब कुछ। सो रैंकिंग सिस्टम भी मिलेगा आप लोगों को, रैंक्स अलॉट कर दिए जाएंगे, परसेंटाइल भी मिल सकती है। सो अभी ये तो फ्यूचर का प्रोसेस है, अभी हमें अपने स्कोर पर ध्यान देना है। आप लोग बस अपने स्कोर पर फोकस करो कि मेरे को एक अच्छा नंबर लेके आना है। कट ऑफ इट्स अ सेकेंडरी थिंग, और मैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को एक पता चल सके कि किस यूनिवर्सिटी में कितने एप्लीकेशन आ रही हैं, तो चांसेस तो हैं ही। देखो, कट ऑफ पे फैक्टर तो पड़ेगा ही। निखिल का है आंसर बी, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। करण गुप्ता इज ऑल्सो सेइंग बी, इसका करेक्ट आंसर भी है बी, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सो डायबिटीज़ जो टाइप वन होता है, टाइप वन होता है, टाइप टू होता है। सो इसमें जो रीज़न है वो है कि प्रोडक्शन इंसुलिन का बॉडी में जब कम होने लगता है तो डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। आज की डेट में हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ रहती है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है फ्रॉम योर जनरल साइंस ऑफ बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। सो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, ग्रुप ऑफ फोर बिट्स फॉर्म्स अ बाइट, निबल, जीगाबाइट, टेराबाइट। सो ये है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन और बहुत ही इजी पीजी सा है। आपने सुना होगा बाइट्स, किलोबाइट्स, जीबी, टीबी, पीबी, पीटाबाइट भी होता है, जीटाबाइट भी होता है। सो ये एक मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन है कि फोर बिट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है, निबल बनता है, जीगाबाइट या टेराबाइट। हाँ बिल्कुल भाई, आपको अलग से भी अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। CUET का फॉर्म तो फिल करना ही है, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे उसका भी फॉर्म फिल करना है। चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर टू का, ताकि हम जल्दी जल्दी अपना क्विज जो है कंप्लीट कर सके। 4 PM विकांशु सर आप लोगों के साथ आ रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए आज आने वाला है, जो कि है हमारा 4 बजे काशी विश्वनाथ टेम्पल वर्सेज ज्ञानवापी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आज की डेट में। ज्ञानवापी आपने सुना होगा ना, जो वाराणसी के अंदर चल रहा है इस टाइम पे, जो सर्वे चल रहा है उसको लेके आज विकास सर आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने वाले हैं। सो निखिल कुमार ने बोला है 4, सुमित गोला इज सेइंग सी, निखिल कुमार ने डी बोला है। टेराबाइट तो भाई किसी तरीके से नहीं हो सकता, 2 निखिल है क्या? एक निखिल 4 बोल रहे हैं और एक डी बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है निबल। ईच 1 और 0 इन अ बाइनरी नंबर इज अ कॉल्ड अ बिट।
जीरो और वन को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। फ्रॉम देयर अ ग्रुप ऑफ फोर बिट इज कॉल्ड निबल एंड एट बिट्स का बनता है एक बाइट। तो ये मेमोरी सिस्टम के सबसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। निबल इज अ फोर बिट से जो बनता है वो उसे हम बोलते हैं निबल, हाफ ऑफ बाइट, और 1024 बाइट से बनता है एक किलो बाइट, है ना, वन के बी। इसके बाद आता है 1 MB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंपनी डेवलप्ड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑप्शन ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इज फेसबुक, ऑप्शन डी इज एप्पल। अब देखो ये जो क्वेश्चन आंसर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम्स, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप अप्लाई कर रहे हो, बीएड के लिए कर रहे हो, एमबीए के लिए कर रहे हो, बीसीए के लिए कर रहे हो, बीजेएमसी, बीबीए, सीयूईटी, आईपीयूसीईटी, एक्सवाईजी, किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इसको लर्न करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो कोशिश करें कि आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके ये याद हो जाए, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपनी डेवलप्ड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो निखिल जल्दी आंसर दो, करण गुप्ता, वेयर आर यू, उत्सव जैन, निखिल, सुमित गोला, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एप्पल, दैट इज सॉल्यूशन डी, एप्पल। स्विफ्ट इज अ जनरल पर्पस मल्टी पैराडिग्म कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल एंड द ओपन सोर्स कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर है नहीं करण, इसका सही जो आंसर है वो है एप्पल, जिन्होंने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग करी है, लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कंपनी, जिन्होंने डेवलप करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ बायोटिक एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए इज प्लांट्स, ऑप्शन बी इज एयर, ऑप्शन सी इज वाटर, ऑप्शन डी इज सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ बायोटिक एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी इज वाटर, ऑप्शन डी इज सॉइल। सो लेट्स सी इफ यू नो दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देना, उसके सामने सॉल्यूशन लिख देना। Which of the following is not considered as a part of abiotic environment? Four ka D, soil. So इसका correct answer है वो है plants. Animals are not a part of abiotic environment. और solution इसका दिया हुआ है A. That is plants. Animals are not a part of the abiotic environment and plants. So, देखो abiotic environment में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं components के अंदर, air, water, wind, soil, temperature, rainfall. मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ना animals होना चाहिए था, ऑप्शन में शायद हमसे गलती हो गई है, तो इसका करेक्ट आंसर शुड बी एनिमल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको एक एनिमल्स मिलना चाहिए था, प्लांट्स, एयर, वाटर, सॉइल आर था कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट। सो ठीक है, चलो हमारे क्वेश्चन में ही गलती लग रही है मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ चाणक्यास चैंट? ऑप्शन ए इज अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी इज चित्रा बनर्जी दिवा करनी, ऑप्शन सी इज रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इज अश्विन संघी। हु इज द ऑथर ऑफ चाणक्यास चैंट? अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बुक्स एंड ऑथर, इसमें से भी एक से दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, ठीक है, किसी भी कोर्स का स्टूडेंट हो, उससे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर में आता है ये। हु इज द ऑथर ऑफ चाणक्यास चैंट? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है डी, दैट इज अश्विन संघी, द ऑथर ऑफ चाणक्यास चैंट। अश्विन संघी इज डायरेक्टर ऑफ द वेल नोन एम के संघी ग्रुप ऑफ कंपनीज। इवन दो ही इज क्वालिफाइड एज बिजनेसमैन, ही इज अ राइटर एज वेल, हीज फर्स्ट नॉवेल द रोजाबल लाइन
वॉज पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनम शॉन हिगिंस। अब ये देखो, ये देख रहे हो आप रोजाबेल लाइन, ये भी क्या है, फर्स्ट नॉवेल ऑफ अश्विन सांघी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कवर कर सकते हो विद इन अ क्वेश्चन। जैसे हमने क्या क्वेश्चन देखा था कि चाणक्य चैंट का जो ऑथर है कौन है, और उसी के थ्रू हमको ये भी पता चला कि फर्स्ट नॉवेल ऑफ अश्विन सांघी इज रोजाबेल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंडी मुरे इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फॉर्मूला वन, WWE। चलो यार, ये तो सब आप देखते ही हो। एंडी मुरे कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है पर्सन, दैट इज अ लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फॉर्मूला वन, WWE। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है, सजल जैन का बिल्कुल करेक्ट लग रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लॉन टेनिस। ऑप्शन सॉल्यूशन में डी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो करेंट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज लॉन टेनिस। एंडी मुरे इज फुल नेम क्या है इनका, सर एंड्रयू बैरन मुरे। 1987 में इनका मतलब बर्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटिश टेनिस प्लेयर है जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो हमें लॉन टेनिस मिला है। फाइन, WWE तो भाई बिल्कुल भी नहीं है निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ गोवा इज, अब कौन बताएगा भाई गोवा की जो पार्लियामेंट्री सीट्स है लोकसभा की वो कितनी है। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 13, ऑप्शन सी इज 20, ऑप्शन डी इज 25। ड्राइविंग वीलॉग्स अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करा तो अभी हमारे साथ जुट जाओ, ठीक है। ये हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन। सो आप अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, अभी भी आपको पता चल गया कि भाई क्या क्या पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करो ना धीरे धीरे करके। किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ये मत सोचो कि लेट हो गया। एग्जाम से 3 दिन पहले भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गौरी अग्रवाल और निखिल दोनों और उत्सव का भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गोवा का आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 2। वहीं दूसरी तरफ अदर स्टेट्स का भी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे लेके रख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी पार्लियामेंट्री सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टीयर नोन एज ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद, सरपंच पंचायत, पंचायत समिति। सो पंचायती राज सिस्टम में क्या आता है इंटरमीडिएट टीयर, दैट इज ग्राम पंचायत, जिला परिषद, सरपंच पंचायत, पंचायत समिति। करेक्शन विंडो भाई आप लोगों का जब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाता है ना, उसके बाद स्टार्ट होता है। फरीदाबाद आउटसाइड दिल्ली में आता है हर्षित, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पंचायती राज पंचायत समिति इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंचायत समिति ऑल्सो कॉल्ड तालुका पंचायत और ब्लॉक पंचायत इज द इंटरमीडिएट लेवल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द पंचायत समिति एक्ट एज इन लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत गांव से और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जोड़ता है, जो कि इनके बीच में आता है। क्या आता है, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और उत्सव जैन ने इसका गलत आंसर दिया था भाई, करण ने सही बताया, पंचायत समिति, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है, न्यूटन सेकंड, स्टेरेडियन, पास्कल और जूल। स्ट्रेस का यूनिट क्या है, स्ट्रेस को हम किस क्वांटिटी में नाप सकते हैं। सो न्यूटन सेकंड है, स्टेरेडियन, पास्कल, जूल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
अभी मॉक टेस्ट आने में टाइम है, जब तक आपके बोर्ड्स एग्जाम खत्म होंगे जब तक मेरे को लगता है कि मॉक टेस्ट आ जाएंगे, बट वी हैव आर मॉक टेस्ट जो हमने डिज़ाइन करे हैं अकॉर्डिंग टू CUET रिक्वायरमेंट, हायर एजुकेशन के ऐप पे आपको मिल जाएंगे, और इन सभी कोर्सेज क्वेश्चन को जो भी हम कर रहे हैं विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बाकी आप NTA का वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहो, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट जैसे ही अपलोड होंगे मैं आपको वैसे तो अपडेट दे ही देता हूँ, और इनकेस अगर आपको पहले पता चल जाता है तो यू कैन शेयर विद अदर ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो है सी पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है स्ट्रेस का या फिर प्रेशर का, वो है पास्कल। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत बताया है, निखिल का करेक्ट आंसर है भाई यहाँ पर, ठीक है सी, वेल डन निखिल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ईडोमीटर, इनोमीटर, हाइटोमीटर और अर्गोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म इज कॉल्ड, वर्क जो हम करते हैं उसको किस चीज़ से नापा जाता है, वर्क परफॉर्म्ड, ईडोमीटर, नीमोमीटर बोल सकते हैं, एनीमोमीटर बोल सकते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन के अंदर, हाइटोमीटर और अर्गोमीटर। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर बताते हैं। हम किस से अपने वर्क परफॉर्म को मेजर करते हैं, किस मीटर से, अंकित महतो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर DSU, और इनकेस अगर सब्जेक्ट्स का अलग डिफरेंशिएशन भी होता है तो वो भी हम आपको ऐड कर देंगे इन फ्यूचर, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो इस चीज़ को आप टेंशन फ्री होके रहो बिल्कुल। CUET के बेसिस पे DSU के अंदर जहाँ तक है जनरल टेस्ट को ही कंसिडर कराया जाएगा, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट को, तो उसके लिए आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्गोमीटर। अर्गोमीटर देयरफॉर लिटरली मींस वर्क मेजर, तो ये जो मशीन आपके सामने दिख रही है इसके थ्रू इसका मेजरमेंट होता है, वैसे रोइंग मशीन जैसे टाइप का लग रहा है ये। सो अर्गोमीटर का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हाउस बिल्ट बाई विच मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए इज बाबर, ऑप्शन बी इज हुमायूं, ऑप्शन सी इज अकबर, ऑप्शन डी इज औरंगजेब। क्या करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, इबादत खाना किसने बनवाया था, किस मुगल एम्पायर ने बनवाया था, ये जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। क्षितिज पांडे सबका अभी जो है ना शेड्यूल एक साथ निकल के आएगा, अभी हम किसी के लिए भी नहीं बोल सकते कि इस दिन इसका एग्जाम होने वाला है, डेट एग्जाम की अभी आउट नहीं हुई है। सो इसके लिए मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन मोर ओवर फर्स्ट वीक ऑफ या फिर सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों के APUGT के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन बताइए, अभी ये जो सेशन है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने आए हैं क्योंकि हमारा सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं आप टारगेट बैच ज्वाइन करो, टारगेट बैच इज न्यू लेटेस्ट है हमारे ऐप पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है अकबर, बिल्कुल सही बताया निखिल करण गुप्ता ने, इसका आंसर है अकबर। द मुगल इम्पीरियर अकबर इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हाउस बिल्ट इन 1575 CE बाय द मुगल इम्पीरियर अकबर एट फतेहपुर सीकरी टू गैदर स्पिरिचुअल लीडर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्राउंड सो एज टू कंडक्ट अ डिस्कशन ऑन टीचिंग ऑफ रिस्पेक्टिव रिलीजियस लीडर्स। तो यहाँ पे सभी को अलाउ करा गया था इबादत, जहाँ पे सब अपने रिलीजन को लेके डिस्कशन कर रहे थे, स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं वो आके डिस्कशन करते थे। सो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका, ऑप्शन ए है फोर्थ, ऑप्शन बी इज थर्ड, ऑप्शन सी इज सेकेंड, ऑप्शन डी इज फर्स्ट। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, येस डेफिनेटली यू विल गेट इंग्लिश जनरल टेस्ट, अंकित में तो दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड है, और बहुत सारी हायर मैथमेटिक्स भी इसमें हमने दी हुई है, वो आपको नहीं पढ़ना, और डोमेन स्पेसिफिक मॉक टेस्ट लेक्चर्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। BBA के लिए भी आप टारगेट बैच को चेकआउट कर सकते हैं हायर एजुकेशन के ऐप पर, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, देव ने बताया ए, निखिल ने बताया है डी, दीप्ति बोल रहे हैं ऑप्शन ए फोर्थ, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
डी यानी कि फर्स्ट फर्स्ट है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज गैदर ऑफ सीनियर मॉन्ग ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्डर कन्वेंट जस्ट आफ्टर गौतम बुद्धा डेथ इन सी 483 BCE. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, जब बुद्धिस्ट काउंसिल जो बना था पहला वो बना था 483 BCE के अंदर, जस्ट आफ्टर दी गौतम बुद्धा डेथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश. ठीक है, बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर. स्फीयर, क्रस्ट, मेंटल कोर. सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की वो कौन सी होती है? स्फीयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो. हाय मीनू, गोलू AK-47 वाला एडमिट कार्ड कब तक आएगा भाई? एग्जाम से एक हफ्ते पहले आता है वैसे तो. ठीक है, हाँ गौरी अग्रवाल, हम बिल्कुल डेली अब अपने MCQs करने वाले हैं. आज जैसे मैं हूँ आपके साथ, अभी थोड़ी देर बाद विकांशु सर आ जाएंगे 4 बजे. आप सभी प्लीज़ सभी ज्वाइन होके देखना, ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर सर्वे चल रहा है वाराणसी के अंदर, और ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए पिटिशन 30 साल पहले डाली गई थी और अब इसके अंदर सर्वे चल रहा है. टू जस्ट यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. सब कुछ आपको विकांशु सर 4 बजे पढ़ाएंगे, और 5 बजे अगेन विकांशु सर आपके साथ आ रहे हैं लाइव हायर एजुकेशन पर, जिसमें वो बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग. तो सारी फुल फ्लेज प्रिपरेशन चलती रहेगी आप लोगों की. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रस्ट, सॉल्यूशन बी. क्रस्ट, अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. द अदर लेयर्स ऑफ द अर्थ आर मेंटल, आउटर एंड इनर कोर. सो क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर. इस तरीके से आप कर सकते हो, क्रस्ट, मेंटल, कोर. तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. ये तो सभी को पता होगा, कोई उत्तराखंड का स्टूडेंट होगा तो फटाफट लिख देगा भाई. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून. उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो कौन सी सिटी है इसमें से? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, देहरादून, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसके अंदर, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है. दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, गढ़वाल एंड कुमाऊं, विद अ टोटल ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट. ये तो बहुत सारा दे रखा है ज्योग्राफी इसका. करेक्ट आंसर इसका क्या है? देहरादून, उत्तराखंड की जो है राजधानी कहलाती है. बहुत ही बढ़िया, सभी ने से करेक्ट आंसर इसका दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट GDP. कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसके पास सबसे ज़्यादा GDP है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे. विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट GDP? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल याद करो, स्ट्राइक करो. ज़्यादा टाइम नहीं देना हमको एक क्वेश्चन के ऊपर, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड मैक्सिमम. विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट GDP? भावी वर्मा बोल रहे हैं मुंबई, पीयूष ने भी बोला है बी, करण गुप्ता बोल रहे हैं गुजरात. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र. बहुत सही भावी, गौरी ने भी करेक्ट आंसर बताया है. इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है तमिलनाडु, फिर आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है गुजरात. ठीक है, महाराष्ट्र की आप देख सकते हो GDP 32.24 लाख करोड़ है, यानी कि फर्स्ट जो है आता है हमारे पास महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम? ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और जू प्लांटन. ओमनीवोरस होते हैं हम, कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, या फिर जू प्लांटन होते हैं हम, बताओ. ह्यूमन बींग बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम?
हर्बीवोरस होते हैं, श्वेता ने बोला है। ऑप्शन ए बाय गौरी अग्रवाल, पीयूष दुआ मुझे पहचाने, भाई मेरे को अभी सच में याद नहीं आ रहा, बट आप पिछले लाइव में थे, करण भी थे हमारे साथ में और निखिल भी थे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ओमनीवोरस। गलत है आपका भावी, गलत है आंसर आपका, ओमनीवोरस इसका करेक्ट आंसर है। सो आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में बियर और ये पिग, ये सभी जो है ओमनीवोरस है। एंड ओमनीवोरस इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। द टर्म स्टेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ओमनीस मीनिंग ऑल और एवरीथिंग एंड वोरर मीनिंग टू डिवोर और ईट। ओमनीवोरस play an important part of food chain as sequence of organisms that produce energy and nutrients for other organisms. So इसका correct answer क्या हुआ, omnivorous, herbivore, ये आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो plants खाते हैं mostly, और carnivorous ये हो गए जो humans को खा सकते हैं, मतलब कि जो ज़्यादातर meat वगैरह ही खाते हैं, ठीक है। So यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज एंड अलोंग विद दैट देर इज स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, दिस इज केस ऑफ डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन। आज के डेट में यही चल रहा है वैसे तो। इन पीरियड व्हेन अ इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज एंड अलोंग विद दैट देर इज स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन। हाँ कृष्णा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है आपका। देखो थोड़ा बहुत डिले होता है ना लाइव के अंदर, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको 5-10 सेकंड के डिफरेंस में दिखता है, तो इसलिए मेरे जो सॉल्यूशन है पहले आप लोगों के पास आ जाते हैं। भावी बोल रहे हैं डिफ्लेक्शन, उत्सव जन ने भी बोला है डिफ्लेशन। हाँ ड्राइविंग व्लॉग्स जो आपके लिए टारगेट बैच है बहुत मोस्ट सूटेबल है। और देखो हायर एजुकेशन की जो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना कि आज की डेट में अगर आप एनरोल करते हो या फिर फ्यूचर में भी प्लान है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज से एक महीने बाद जो भी हमारा न्यू बैच बनता है उसमें हम हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बैच बना था जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जनवरी वाले स्टूडेंट को हमने फेब में भी ऐड करा, फेब वाले स्टूडेंट को मार्च में ऐड करा, ऐसे करते करते सभी का रिवीजन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आज भी अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो अपनी तैयारी करने की तो जुड़ जाइए, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे कितना रह गया है, वो हमारी हटक है। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी, स्टैगफ्लेशन इज अ कैरेक्टराइज बाय स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलेटिवली हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विच इज एट द सेम टाइम अकॉम्पनीड बाय राइजिंग प्राइसेस दैट इज इन्फ्लेशन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैगफ्लेशन। सो किसने इसका सही जवाब दिया था भाई बताओ, कुछ सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी किसने बताया है, किसी ने नहीं बताया, सबने डिफ्लेशन करा है, कोई बात नहीं। कोर्स का प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं हायर एजुकेशन की ऐप पे, इट्स अराउंड 5-6K के बीच में है, लेकिन आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट जो भी यहाँ पे अभी इस टाइम पे लाइव अटेंड कर रहे हैं सबको 15% मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप जाके अभी चैट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, करना क्या होगा, हायर एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करते हैं ना जब आप, तो चैट सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे आपको मिलता है। और वो जो चैट सपोर्ट सिस्टम है सिर्फ स्टूडेंट के लिए, कोर्सेज के लिए नहीं है, आप जो डाउट्स मेरे साथ यहाँ पे पूछ रहे हो वही डाउट्स आप उस चैट सपोर्ट सिस्टम में भी पूछ सकते हैं, हमारे काउंसलर जो आपकी हमेशा से हेल्प करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ मिजोरम, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर दे पाते हैं यार, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज हमने, बहुत ही बढ़िया। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ मिजोरम, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान, ये सभी के सेक्शन में आएगा, CUT हो, IPU CUT हो, AMU हो, जहाँ पे CUT है, जनरल टेस्ट है। और ये अब की बात नहीं है, CUT का इस साल आ रहा है, ये हर साल का ट्रेंड होता है, जब एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर ये स्टैटिक जीके के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। करेंट्स के लिए विकांशु सर आज आपके साथ 4 बजे जुड़ने वाले हैं, तो मेक श्योर आप जितने भी स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं सभी जुड़ जाना भाई आज 4 बजे, सर करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं।
ठीक है, और 5 बजे नेट आपको मिलेगी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो भी मिस नहीं करना। इधर छोटे छोटे टाइम है ना, आप यूटिलाइज कर लोगे, सुन के चले जाओगे, तो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। तो उसका करेक्ट आंसर है सी। बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, गुजरात इज़ ए करेक्ट आंसर। गरबा ऑल्सो स्पेल्ड गरबा सिंगुलर गरबो टाइप ऑफ इंडियन डांस कॉमनली परफॉर्म एट फेस्टिवल एंड ऑन अदर स्पेशल ओकेजन इन स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया। इट इज़ जॉयफुल स्टाइल ऑफ डांस। चलो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरबा भाई सभी को पता है गुजरात का फोक डांस है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ कैल्शियम? क्लोरिन, आर्गोन, सल्फर और स्कैंडियम। स्कैंडियम बोल सकते हैं, कैंडियम बोल सकते हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर है आप बताइए। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैल्शियम? क्लोरीन, आर्गोन, सल्फर, स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर किसका है? आपने पढ़ा होगा ना एटॉमिक टेबल, क्लास 10th तक पढ़ा होगा आपने एटॉमिक टेबल के बारे में अच्छे से। अब जो हमारा जनरल अवेयरनेस होता है वो क्लास 10th लेवल का ही, जो जनरल साइंस है और जो मोस्टली हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहीं से पूछे जाते हैं। सी सल्फर बताया। हाँ गौरी, हम जो है ना एमसीक्यूज का प्रॉपर टाइम टेबल आपको देने वाले हैं, हम बस अभी स्टार्ट कर देते हैं एक बार पहले, जब हमारा फुल फ्लेज हो जाएगा आप लोगों के साथ एमसीक्यू का टाइम टेबल दे दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कि किस दिन किस टीचर की क्लास है। क्वांट्स के भी आप लोगों को एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, हायर एजुकेशन की ऐप पे करंट अफेयर्स मिलने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड मिलने वाला है, और बीजीएमसी स्टूडेंट्स को मीडिया एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, बिजनेस अवेयरनेस बिजनेस एप्टीट्यूड के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, सल्फर का है 16, क्लोरीन का है 17, आर्गन का है 18 और स्कैंडियम का कितना है 21, हैंस स्कैंडियम हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 20। सो कितने स्टूडेंट है भाई जो इन्होंने करेक्ट बताया? नीरज कुमार का सही हुआ है, श्वेता का बिल्कुल ठीक है, निखिल कुमार का, नवनीत सोनी, राहुल सिंह, भावी, सभी का करेक्ट है। बस यहाँ पे गलती हो गई करण से और करण और कृष्णा, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो करण। ओके, यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स इज फॉर रिलीव एसिडिटी, रिलीव पेन, रिलीव इचिंग, रिलीव ब्लोटिंग। ठीक है, आपने सुना होगा टाइप ऑफ मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, वैसे ही एक कैटेगरी होती है मेडिसिन की एनाल्जेसिक्स, जिसमें एक उनका एक प्रॉपर्टी होता है काम करने का, रिलीव एसिडिटी, रिलीव पेन, इचिंग, ब्लोटिंग, किस लिए काम करते हैं? लो वाला नहीं, हाई वाला पूछा था, कोई बात नहीं। श्वेता कर्ष, देखो एमएसयू बड़ौदा का एडमिशन जहां तक है एंड ऑफ मई में ही स्टार्ट होगा, और अभी तक तो हो जाना चाहिए था क्योंकि बहुत लेट चल रहा है सब कुछ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ के एंड तक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। जैसे आएंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा एमएससी बड़ौदा के लिए। फाइन, नमन कौशिक का एकदम गलत आंसर है, नहीं सही है एकदम बिल्कुल नमन, आपका करेक्ट आंसर है रिलीफ पेन, पेन किलर्स होते हैं एनाल्जेसिक्स, ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर्स आर मेडिकेशन दैट रिलीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन फ्रॉम हेडेक्स टू इंजरीज टू अर्थराइटिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि विद सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। सो आपका क्या काम है कि आप जो चीज़ें सुनते हैं और जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, देखो वीडियो देखना बहुत आसान होता है, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन, इट्स फॉर एन एजुकेशन पर्पज़। आप जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आप लोगों के माइंड में वो क्वेश्चंस स्टोर भी नहीं होंगे। शायद यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिए हों, बहुत सारे लोगों ने सही दिए हों, लेकिन एक चीज़ थी कि सब पार्टिसिपेट कर रहे थे और इससे हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि यार मैंने दिया था बिल्कुल सही हुआ है और यही हुआ है, और इस तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और हमें धीरे धीरे करके इतने क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं कि कहीं ना कहीं कहीं से भी आ जाए हम अपने आंसर बिल्कुल
बढ़िया तरीके से करके आएंगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे जीके हो। अभी तक ये चीज़ बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि जीके कितना पार्ट आएगा, स्टैटिक कितना पार्ट आएगा। हो सकता है कि स्टैटिक 60% आ जाए, जीके 40% हो जाए। हो सकता है कि 40% आपका स्टैटिक हो जाए और जीके 60% हो जाए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन एग्जामिनेशन बॉडी किस तरीके से कंडक्ट करके दे रहे हैं। लेकिन ये जो भी हमने आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं क्लासेस का शेड्यूल कर दूंगा और साथ ही साथ टाइम टेबल आप लोगों के लिए पब्लिश करने वाला हूं कम्युनिटी में, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा लाइव आने का। कई सारे स्टूडेंट लाइव अटेंड नहीं कर पाते। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नवनीत, ये हमारी सेकंड क्लास है। वैसे तो हम कौन बनेगा रैंक वन की बहुत सारी सीरीज़ कर चुके हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है कौन, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करना है कौन बनेगा रैंक वन। वो हमारी बहुत ही बढ़िया सीरीज़ थी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा था। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा आज का लाइव सेशन और बहुत कुछ आप लोग यहाँ से सीख के गए होंगे। आई वेरी अप्रिशिएट टू ऑल, निखिल, करण, उत्सव, अंश, भावी, अश्मित त्यागी, नीरज कुमार, नमन कौशिक, कृष्णा, नवनीत, सोनी तिवारी, सुशीला, संभवी राय, अंश मंगा और अदिति शर्मा, और भी बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा और आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में। जितने भी स्टूडेंट हैं, सिर्फ आपको दिन में 10 से 15 मिनट 30 मिनट कभी भी आप खाली बैठे हो ना, बस अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचने लग जाओ और जितनी चीज़ें आपको टाइम मिले छोटा छोटा पढ़ो, प्रोडक्टिव बनो, ठीक है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक्यूरेट स्टडी मटेरियल लेके आने का। और साथ में एक चीज़ और है कि अभी आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस पर भी फुल फ्लेज फोकस रखो। अगर आपके CUT के एग्ज़ाम में डोमेन आ रहा है तो डोमेन के हिसाब से आप अपने उसको प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन अगर आपके बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो प्लीज़ ये वीडियोस वगैरह जो हमारा आपके साथ चल रहा है इसको मिस मत करना, ठीक है। अब 4 बजे सभी लाइव आ जाना विकांशु सर के साथ, जस्ट आफ्टर दी 30 मिनट्स। तो मिलता हूँ आपके साथ बाद में, और बाय बाय, थैंक यू सो मच, और लाइक करके जाना वीडियो को। बाय बाय।